नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दान गली कलर साइदा आज़ाद कश्मीर रोड, इसकी डडियाल रोड भी आखने असं जी। माशाल्लाह जी, ये चोए तू तकरीबन एक किलोमीटर पिछे है। पठा मौलवी नूर मोहम्मद जी चढ़ाई है, लाई है कस्सी उसने। बिच स्कूल भी है जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कस्सी है, पुराना पठा भी है इत्थे। ते इत्थे तक पहुँचिए, इत्थे थोड़ा जे मुश्किल काम है, पार और रार चढ़ाई भी है। इन्हें चढ़ाई की भी कट करना, और इत्थे पहाड़ है ते पहाड़ भी सख्त है, खसरा पहाड़ नहीं है बल्कि सख्त पहाड़ है। ते उसने वास्ते थोड़ी जी मेहनत दरकार है। और दोस्तों बात यही आखसा जी कि वाकई तकलीफ तो होनी है, लेकिन थोड़े जे वक्त तकलीफ हो सी इंशाल्लाह, फिर उसने बाद बेहतरियां और आसानियां हो सन। दोस्तों अहबाब अगे यही गुजारिश है कि थोड़ी बहुत ही अगर तकलीफ है तो कोई मसला नहीं होना, कम होना चाहिए, कोशिश ये भी करने की। गपशप भी नाल नाल जारी रहे। खरीयत है, कब ठीक चलना पाया? बड़े मेहनती दोस्त है जी, और दाद दैसा जी इन्हें जी कि माशाल्लाह जिहड़ा इन्हें कम किया है, खास करी कलर सहीदां तू इत्थे तक बड़ा अच्छा इन्हें कम किया है। अगों हुण अल्लाह नी ज़ात बेहतर जानी कि जिले कारपेट हो सी वह किस तरह हो सी, लेकिन फिलहाल जिहड़ी इन्हें बैड बनाया जी बड़ा बेहतरीन। कोशिश यही कर रहे हैं कि जितनियां चढ़ाइयां हैं उन्हें की ख़त्म किया जाए। ये चढ़ाइयां जिस वक्त ख़त्म हो गई तो समझो कि रोड तो सन बिल्कुल मैदानी इलाके वाला हो गया। तो बड़ी हिम्मत है जी कि इस तरह पहाड़ी इलाके में इस किस्म का रोड इस तरह बनाना। माशाल्लाह जी असंगी बड़ी खुशी है कि एक तो ये कम होया जी, तो इंशाल्लाह जल्द ही इसी कारपेट कर दिता जा सी। दोस्तों अहबाब अगे गुजारिश ही कर सी दोबारा फिर कि वाकई तकलीफ तो होनी है जी, लेकिन जड़ी गुज़श्ता असं तकरीबन 20 साल तू ये तकलीफ तकने पे उसने सू इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तू बाद कोई 2-3 महीने तू बाद असं ये आखने पे कि इंशाल्लाह इसने तू घट टाइम लग सी, इंशाल्लाह बेहतरी हो सी, तो ये चढ़ाई भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जा सी, इसने विच आसानी रह सी जी बड़िया गड्डिया वास्ते खास करी और